welcome in a part of lecture 1st in today's lecture we will discuss the binary operation on a non-empty set which is the base of your groups so first uh, i will uh, here is the list which we will cover in the coming lectures now in this playlist we will cover these following topics by dividing uh,

And in the coming uh, second lecture and other lectures in this uh, playlist, we will cover these following topics. Okay, so now to, to define my group, I need the definition of Cartesian product of uh, two non empty sets. Empty because, but here I need non empty sets, and you studied this uh, definition in your previous classes. So now Definition of Cartesian products of sets. For this, I need A and B. These are the two non empty sets. Non empty means A is not equal to 5 and B is not equal to 5. Okay. Always remember there is some element in these elements, these sets, sorry. Then Cartesian products of A and B set is equal to. दिस इज ऑल्सो सेट देखिए सेट को आप ब्रेसिस में लिखते हैं ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग एंड दिस सेट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन दर्डर पेयर वेअ दिस ऑर्डर पेयर कंटेन फर्स्ट एलिमेंट दैट फर्स्ट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड कम्स फ्रॉम सेकेंड सेट तो मैंने कैसे लिखा दिस इज द रिप्रेजेंटेशन तो ए क्रोस बी इज अ सेट जब आप सेट लिखते हैं ना तो हमेशा उसे ब्रेसिस के अंदर लिखना दिस इज द नोटेशन एंड दिस सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट आएगा और वो उसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे दे आर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेकेंड सेट ठीक है ये आपने प्लस टू में किया था अब इसमें होता है बी क्रॉस ए भी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट भी होते हैं तो मुझे जस्ट ये कार्टिजियन प्रोडक्ट चाहिए आज के लिए ठीक है नाउ कार्टिजियन प्रोडक्ट आप ए क्रॉस ए भी ले सकते हैं सेम सेट की सेम सेट के साथ कार्टीजियन प्रोडक्ट तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कार्टीजियन प्रोडक्ट तो ए करो से दिस इज आल्सो अ सेट कंटेनिंग द एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर हमेशा इस फॉर्म के होंगे वेयर द फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कम्स फ्रॉम सेकेंड ठीक है इसका मतलब क्या है बोथ ए एंड बी दे आर फ्रॉम द सेट ए ठीक है ऑर्डर तो पेयर की फॉर्म के हैं अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ एक ए इज इक्वल टू ए एक सेट है मेरा दैट कंटेन्स द थ्री एलिमेंट्स एंड दीज आर द सेट ऑफ रूट्स ऑफ किसके रूट्स हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ठीक है तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आई एम कंसिडरिंग कि ये आपको यू आर फैमिलियर विद दिस वन अगर नहीं फैमिलियर है तो मैं इसको निकालती हूँ क्योंकि ये मेरे मुझे लास्ट तक चाहिए साइक्लिक ग्रुप में मैं जाऊँगी आई विल टेक द एग्जाम्पल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एंड फ्रॉम वेयर आई गोट वन उमेगा एंड ओमेगा स्केयर देर आर सम कंडीशन ऑन दिस ओमेगा तो फर्स्ट लेट अस चेक दिस वन क्योंकि जब मैं ग्रुप की डेफिनेशन दूंगी आई विल टेक द सेम एग्जाम्पल तो वट इज दिस ओमेगा दिस इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखो वन इसका क्यूब रूट वन बाय थ्री हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स नाउ टेक द क्यूब ऑफ दिस बोथ साइड तो यू विल ऑब एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन अब इसके एक्स की वैल्यूज निकालो रूट्स है ना ये तो वट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिसफाई माई इक्वेशन वन तो ये जो रूट्स आएंगे ना दे आर डिनोटेड बाय वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अब देखो एक्स की वैल्यू थ्री इक्वल टू वन तो एक वैल्यू तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम कह सकते हैं कि वन इसको सेटिसफाई कर रहा है तो वन इज द रूट लेकिन आप क्यूब हैं ठीक है थीके? तो मे बी थ्री रूट्स बट मे बी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं यू आर फेमिलियर विद दिस टर्म चलिए टेक दिस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स क्यू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो अगर इसके फैक्टर्स बनाए जाएं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यू फैक्टर विल बी दिस वन तो आइदर एक्स इज ईक्ल टू वन और दिस फैक्टर इज इक्वल टू जीरो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक के क्वाड्रेटिक के रूट निकाल दीजिए तो एक्स इज ईक्ल टू माइनस बी प्लस माइनस एंडर रूट बी स्केयर माइनस फोर ए सी बाय टू ए तो यहां से आपके रूट्स क्या बने माइनस वन प्लस माइनस अंडरूड थ्री आइटा बाय टू तो आई सेड वन रूट इज दिस एक्स इज इक्वल टू वन सेकेंड रूट प्लस साइन के साथ एंड द थर्ड रूट विद माइनस साइन तो हेयर आई एम सपोजिंग द फर्स्ट रूट इज वन सेकेंड रूट विद सेटिस्फाई दिस इक्वेशन स्टार दैट इज उमेगा एंड आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ उमेगा इज माइनस वन प्लस थ्री टू एंड मेगा स्केयर दैट इज माई नेक्स्ट वैल्यू यानी कि माइनस वाला साइन ठीक है तो मेगा स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन माइनस अंडर थ्री आटा बाई टू इफ यू वॉन्ट टू चेक अगर इस उमेगा का आप स्केयर करेंगे ना इसी का तो आंसर माइनस ही, ही आएगा चेक करना ये मेरी तरफ से आपको होमवर्क है यू विल ऑब्जर्व द थ्री प्रॉपर्टीज क्या प्रॉपर्टी है इफ यू एड द रूट्स वन प्लस उमेगा प्लस उमेगा स्केयर आप इनको ऐड करके देखना योर आंसर विल बी जीरो चेक करना इट इज असाइनमेंट टू यू फ्रॉम माई साइड कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू जीरो एंड इफ यू टेक द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दिस वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्य दिस वैल्यू इज वन सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच यू विल यूज इन द डेफिनेशन ऑफ ए ग्रुप अभी करवाऊंगी मैं आपको ये क्वेश्चन भी ठीक है तो ये तो आपके ए सेट के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि व्हाट इज़ माय ए सेट तो ए इज़ जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको वन और ओमेगा स्क्वायर देगा कंपटीशन के अंदर आपको बोल देंगे कि ए इज द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि ए सेट आपको क्या गिवन है ओके okay, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ राइट डाउन द कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए करोसी अब इसमें कितने एलिमेंट है थ्री तो कार्टिजियन प्रोडक्ट में नाइन एलिमेंट बनेंगे थ्री इंटू थ्री अब वो क्या क्या बनेगी पहले वन को उठा लो वन का वन के साथ पेयर बन सकता है आपने यही तो बोलना है ना कार्टीजियन प्रोडक्ट इज इक्वल टू वट वन कोमा वन कर सकती हूँ मैं यहाँ पे ये इसका एलिमेंट है क्योंकि वन बिलोंग्स टू ए है एंड वन बिलोंग्स टू ए है तो यस दिस इज ट्रू तो ए वन कोमा वन इज द एलिमेंट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ ए करोसी देन वन कोमा उमेगा वन मैं उमेगा स्केर ना उमेगा को फर्स्ट नंबर पर रख लीजिए अब इसके साथ बाकी सभी एलिमेंट इसी सेट के ओमेगा के साथ वन जाएगा ओमेगा के साथ ओमेगा का पेयर बनेगा और ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर दिस विल बी द एलिमेंट ऑफ ए क्रोस ए नाउ थर्ड नंबर पे फिर आपको ए लीजिए ए आप ए ओमेगा स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए तो ओमेगा स्क्वायर अब ओमेगा स्क्वायर को सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आना है ए से ही तो आना है तो ये वन आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बनेगा ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ कार्टिजियन प्रोडक्ट क्लियर यहां तक अब मुझे डेफिनेशन देनी है आपको बाइनरी ऑपरेशन की नाउ टू डिफाइन द बाइनरी ऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड अ नॉन एम्प्टी सेट ठीक है तो ए इज माय नॉन एम्प्टी सेट विच में बी एनी सेट फाइनाइट इनफेनाइट ठीक है नेचुरल नंबर इंटीजियर्स रियल नंबर रैशनल इेशनल मैनी करेंगे हम सभी एग्जाम्पल्स यहाँ करेंगे तो ए इज माई नॉन एम्प्टी सेट ठीक है अभी मैंने आपको बताया ए क्रॉस ए का मतलब होता है पेयर के एलिमेंट एंड बाइनरी ऑपरेशन इस स्टार को कहते हैं ठीक है तो ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन कब होगा इफ दिस स्टार इज ए फंक्शन फंक्शन ऐसे लिखते थे ना आप डोमेन लिखते थे यहां पर और इज इजिकल टू कुछ आर ऐसे करते थे तो ये ए सेट होता था यहाँ पे इसके ऊपर ये एफ और यहाँ पे इमेजेस जाती थी तो ये आपकी प्री इमेज एलिमेंट होते थे ये फंक्शन होता था और तो एवरी एलिमेंट हेन द इमेज इन दिस साइड तो ये जो स्टार है दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक क्रॉस ए एक क्रॉस ए का मतलब है ये जो स्टार ऑपरेशन है ये आपके इन ऑर्डर पेयर के एलिमेंट पर इम्पोज होगा लगाएंगे हम इस पर एंड जो रिजल्टेंट मिलेगा यानी इमेज मिलेगी आपको इस पर लगाने पर वो भी कहाँ से मिलेगी फ्रॉम द सेम सेट या आप ये कह सकते हो स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है विच कंबाइंस क्या करता है ये देखो ऑर्डर पेयर में ए और बी एलिमेंट होंगे और दोनों एलिमेंट कहाँ से आएंगे ए और ए और ए से ही आएंगे है ना तो स्टार कंबाइंस टू एलिमेंट ऑफ द सेट ए और रिजल्टेंट कहाँ मिल रहा है ए से तो टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेम सेट देन दिस इज कार्ड अब बाइनरी ऑपरेशन या फिर बाइनरी कंपोजिशन और हम इसे क्या करते हैं हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम हाँ आप कार्टिजन प्रोडक्ट नहीं लगा मतलब बताते होते हम ये ऐसे बोलते हैं जो क्लोजर प्रॉपर्टी भी मेरे बनेगा आगे कि ए और ए के कोई भी एलिमेंट है सभी के बारे में बात कर रहे हो दो ऑर्डर तो दो से ही बनेगा ठीक है ए और बी एलिमेंट उठाइए उनका कहाँ से लेने हैं ए सेट से लेने हैं उन पर ऑपरेशन लगाइए जो भी आपको एडिशन सब्टशन मल्टीप्लीकेशन जिस टाइप का भी ऑपरेशन कहा गया है तो फ्रॉम द सेम सेट यू विल पिक द एलिमेंट एंड यू विल अप्लाई द ऑपरेशन पर जो आंसर आएगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू योर गिवन सेट ए देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन और वी रीड ए स्टार बी और इसको बोलते हैं ए ऑपरेशन बी अब जैसे एग्जाम्पल करते हैं एन ले लेते हैं एंड यू शुड रिमेम्बर दिस वन की एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर क्या थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इफ आई टेक स्टार स्टार इज माई एडिशन और ये ऑपरेशन आपने सेवन्थ क्लास से किया होगा आई थिंक इफ यू एड टू बाई टू नेचुरल नंबर्स इफ़ आई टेक ए एंड बी आर एनी टू नेचुरल नंबर्स कोई भी दो नेचुरल नंबर आप पिक कीजिए तो उनकी एडिशन अगर आप करेंगे ए प्लस बी समू नेचुर नंबर इज अगेन आ नैचुरल नंबर ट्रू और फॉल्स दिस इज ऑलवेज ट्रू ना आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लीजिए एंड आंसर करोगे तो क्या आएगा नेचुरल नंबर आएगा तो यू कैन से सेयर एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन तो यू कैन से एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर ठीक है आपने ये ले लिया मान लो आई एम टेकिंग स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू सब्टेक्शन ठीक है क्या ये ट्रू होगा देखिए इफ यू सेड की फोर माइनस थ्री आंसर इज वन तो यस yes, ट्रू होगा फाइव माइनस फोर वन आंसर ट्रू होगा बट यहां कंडीशन देखो सभी एलिमेंट सभी ऑर्डर पेयर के लिए होना चाहिए ऑर्डर पेयर में ए कोमा बी भी होता है बी कॉमा ए भी होता है ठीक है तो सब्टेक्शन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वाई कारण बताओ कोई एक फेल दिखा दो जहाँ फेल होता है सपोज करो इफ आई टेक ए इज इक्वल टू टू एंड इफ आई टेक बी इज इक्वल टू सपोज यू आर टेकिंग फोर आप टू भी ले सकते हैं आप टू ही ले लीजिए अलग लेने की जरूरत ही नहीं सो मैनी वे ठीक है इफ आई टेक ए माइंड ए स्टार बी ए स्टार बी का क्या मतलब है ए माइनस हो बी स्टार तो माइनस सब्जेक्शन ऑपरेशन है तो टू माइनस टू क्या होगा दैट इज़ ज़ीरो तो जीरो बिलोंग करता है कोई नेचुरल नंबर से तो ये ये सिंबल पता है ना आपको बिलोंग का होता है तो जीरो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर तो कंडीशन फेल होगी ना अपनी कि दो एलिमेंट अगर इसी सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन जब आपने उस पर अप्लाई किया तो एलिमेंट कहाँ से आना चाहिए उसी सेट से आना चाहिए बट यहाँ क्या हो रहा है नेचुरल नंबर में we are not getting the element zero belongs to natural number. so here you will say ki subtraction is not a binary operation on the set of natural number. clear? ye to hai aapka binary operation. तो अभी मैंने एक set लिया था A. तो अब ये कैसा set था? it was our infinite set. तो जब आपकी एक table बनती है वो हम करेंगे अभी तो कंपोजिशन टेबल लेक्चर वन पार्ट टू ए थर्ड पेज राइट ऑन द कंपोजिशन टेबल तो व्हाट इज कंपोजिशन टेबल कंपोजिशन टेबल हम बनाते हैं आपके फाइनाइट सेट के लिए जैसे ए के अंदर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है फाइनाइट है इसको बोलते हैं ना कार्डिनेलिटी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो हेयर इज दिस वैल्यू इज थ्री तो राइट ऑन द कंपोजिशन टेबल वे स्टार दो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज योर कंपोजिशन हेयर मतलब ये आपको गिवन है या आपको ये भी कह सकते हैं चेक कीजिए तो मल्टीप्लीकेशन है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है कि चेक करो क्या मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्वेश्चन आ गया ये वाला ठीक है तो पहले क्यूब रूट से यूनिट ही लिखोगे एंड कंपोजिशन टेबल हम बना लेंगे इसमें क्योंकि इट विल हेल्प मी क्योंकि मेरे पास टोटल यहाँ थ्री की पावर टू नाइन एलिमेंट होंगे हाउ टू चेक कि सभी जगह एक कॉमा बी यानी ए स्टार बी बिलोंग्स टू दिस सेट है तो हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन को स्टार को यहाँ लिख देंगे तो दिस इज़ माई मल्टीप्लिकेशन एंड आई विल राइट ऑल द एलिमेंट ऑन द रोज वन मेगा एंड उमेगा स्क्वायर एंड कॉलम में भी आप सभी एलिमेंट्स को लिख देंगे वन एंड ओमेगा एंड उमेगा स्क्वायर क्योंकि जो कंपोजिशन टेबल होगी काटिजन प्रोडक्ट यही है ना आपका स्टार ए क्रॉस ए कहाँ मिल रहा है ए में तो आपको ये सभी एलिमेंट पिक करने पड़ेंगे एक रोस ए एक रोस ए के कितने एलिमेंट होंगे अभी हमने बनाए दे, दे आर नाइन एलिमेंट तो पहले वन का ऑर्डर पेयर किसके साथ जाएगा वन के साथ और आपने क्या बाइनरी ऑपरेशन लगाना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो पहला एलिमेंट है वन कोमा वन जो कि इसकाटिजन का है आप इस पर ऑपरेशन लगा रहे हो क्या मल्टीप्लिकेशन तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ए इन टू बी तो ए इंटू बी कितना आएगा वन तो वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज वन फिर वन कोमा ओमेगा ऑर्डर पेयर बनेगा दो ठीक है फिर इनके अंदर आपने क्या करना है वन इन टू मेगा करना है तो दिस इज योर ओमेगा फिर वन और ओमेगा स्केयर ऑर्डर पेयर बनेगा इनकी क्या करनी है आपने बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा देना है दैट इज मल्टीप्लाई तो वन इंटू ओमेगा स्केयर अब वन इंटू उमेगा स्केयर कितना होता है दैट इज ओमेगा स्केयर तो फर्स्ट रो में देखिए एलिमेंट जो ऑपरेशन करने के बाद आए हैं क्या वो ए सेट से बिलोंग करते हैं यस बिलोंग कर रहे हैं वन ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर बोथ आर द एलिमेंट ऑफ दिस सेट यस ट्रू है देन सेकेंड ओमेगा कोमा वन ये ऑर्डर पेयर बनेगा इसका अभी जैसे पीछे किया हमने तो ओमेगा एंड वन ये ऑर्डर पेयर है हमने ऑपरेशन क्या लगाना है मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा इंटू वन क्या होता है ओमेगा नेक्स्ट इज ओमेगा इंटू ओमेगा तो ये बनेगा आपका ओमेगा स्क्वायर नाउ हियर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर पेयर मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा इंटू उमेगा स्केयर ये तो ओमेगा क्यूब है बट ओमेगा क्यूब इज नॉट इन द सेट तो क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा इसके लिए आपको एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग कि दिज आर ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर एंड वन आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड दे विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओमेगा वन इन ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज वन एंड सम ऑफ द रूट्स इज जीरो यू आल्सो नोज दिस प्रॉपर्टी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपको मेमोराइज भी करना है तो इन प्लेस ऑफ ओमेगा क्यूब मैं क्या लिख सकती हूँ वन और वन किया तो वो इसका एलिमेंट है इसका मतलब सेकेंड रो भी आपकी सभी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है सेटिस्फाई नाउ कम टू द थर्ड ओमेगा क्यूब बोलो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा ओमेगा स्केयर इन वन तो ये दे देगा आपको ओमेगा स्केयर देन ओमेगा स्केयर इंटू उमेगा ये आपको फिर देगा ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा क्यूब इज वन सो यू विल ऑबेंड अगेन वन हेअ देन ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर दिस इज ओमेगा फोर तो ओमेगा फोर को क्या लिख सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू क्यूब इज दिस तो वट इज द टेबलो एलिमेंट ऑफ ए दिस इज ऑल्सो ऑल दिज एलिमेंट इन दिस कम्पोजिशन टेबल दे बिलोंग्स टू द सेट ए तो यू कैन सी दिस स्टार दैट इज मल्टीप्लीकेशन मल्टी एप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए ये भी चेक हो गया और अगर आपको ये कहा जाए कि दिस इज ए मल्टी बाइनरी ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल तो उसका आंसर भी होगा क्लियर और ये जो आपने आज रीड किया दिस इज माई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप तो इसका नाम क्या है दैट इज नोन एज फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी अभी हम करेंगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सो आई एम राइटिंग हेयर क्लोजर प्रॉपर्टी आप ग्रुप को ना ऐसे याद करेंगे कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं जैसे जैसे प्रॉपर्टी ज़्यादा होती चली जाएंगी वैसे वैसे आपका ग्रुप का एरिया बढ़ता चला जाएगा ठीक है तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या कहेंगे हम हम कहेंगे ए नॉन एम्प्टी सेट अब ए मैंने यहां लगा दिया तो ये इस नॉन एम सेट के बारे में काउंटिंग बता रहे हैं तो लेट अस टेक द ग्रुप ही करना है ना तो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल सेट इज जी जी कैसा सेट है यहां कंसनट्रेट करना है आपने दिस जी इज अ नॉन एम सेट तो अन एम टी सेट जी इज क्लोज दिस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू आपको कोई बाइनरी ऑपरेशन दे रखा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन बी मतलब बाइनरी ऑपरेशन एंड इन स्टैंडर्ड नोटेशन इन एवरी बुक स्टार ही लिखते हैं सम बुक्स इसको जीरो भी डाल देती है सम इसको एक ऐसे स्ट्रेंगल सा भी डाल देते हैं ठीक है आपकी बुक में नोटेशन जो है जीवन संस की वो स्टार चलेगी ठीक है तो अनोन एम टी सेट जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ आपको ये लाइन मेमोराइज करनी है और ये मैंने पहले भी लिख दी इफ फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू योर ग्रुप सॉरी ग्रुप नहीं दिस नॉन एम्प्टी सेट इम्प्लाइज़ अगर ये दो एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करते हैं और इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर आप इनके ऑर्डर पेयर पे ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट आल्सो बिलोंग्स टू योर ग्रुप योर नॉन एम्प्टी सेट जी देन यू विल से कि जी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन अब 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 वो एग्जांपल देखिए माय सेट वाज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्योर एंड माय बाइनरी ऑपरेशन इज क्या था दैट इज मल्टीप्लीकेशन तो हेयर तो हेयर क्योंकि आपने चेक कर लिया फॉर एवरी एलिमेंट ये कंडीशन आपकी ट्रू जा रही है तो ए जो सेट है दिस सेट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लियर ये चीज ठीक है अब एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें करनी है अब ऐसे कैसे लिखेंगे तो हम इसमें क्या करते हैं हम इसमें यूज करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एलजेब्रेक मतलब दीज आर द लैंग्वेज टू लर्न ग्रुप एंड रिंग्स तो आपको मेमोराइज करनी है ये एल्जेबरिक स्ट्रक्चर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है जी एंड आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन भी है जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन है ठीक है तो आप इसको मैथमेटिकली की जो लाइन है कि जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन कोई जरूर नहीं एक बाइनरी ऑपरेशन होगा अभी मैं एग्जाम्पल लिखूंगी एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन भी हैं तो आप उसको कैसे लिखते हैं दैट इज योर यबरिक स्ट्रक्चर तो नॉन एम्प्टी सेट जी एक्यूप्ड विद इट्स बाइनरी ऑपरेशन मे बी वन मे बी टू हो सकता है आपके पास टू बाइनरी ऑपरेशन हो तो ये जो स्ट्रक्चर बनी ना दिस इज नोन एज एल्जेबरिक स्ट्रक्चर जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया ये वाला तो इसकी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या बनेगी ए विद मल्टीप्लीकेशन दिस तो दिस इज एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर ए सेट विद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ठीक है तो अभी हमने एक काम एक एग्जाम्पल लिया था नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एडिशन जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज क्लोज ऑन द नेचुरल नंबर क्योंकि दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो आंसर नेचुरल नंबर ही मिलेगा तो आप एग्जाम्पल एक और क्या दे सकते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का एन इज द बाइनरी ऑपरेशन एन इज द नॉन एप्टी सेट एंड एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन तो दिस इज द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन फ्यूचर आई विल आस्क यू की वेदर दिस इज ग्रूप और नॉट तो ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि एन इज अ नॉन एप्टी सेट है नेचुरल नंबर है एंड स्टार या ये प्लस जो है दैट इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नॉन एप्टी सेट एन है ठीक है

तो यहां पर ये कंडीशन आपकी क्लोजर वाली ट्रू और फॉल्स ए एंड बी अगर आपके होल नंबर हैं, इन दैट केस सम ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर तो दिस इज क्लोज तो येस और नो में आंसर देना तो येस दिस इज क्लोज टेबल बना लेना मेमोराइज करने में इजी रहेगा ठीक है नाउ इफ यू वॉन्ट टू चेक दिस सब्टशन तो क्या सब्टशन ऑन द सेट ऑफ हॉल नंबर इज क्लोज और नॉट क्या यह बाइनरी ऑपरेशन है पहले तो चेक करना है यहाँ ऑपरेशन लिखना चाहिए वैसे मुझे ना कि यहाँ ऑपरेशन क्या है तो ए एंड बी अगर आपके कोई भी हॉल नंबर है तो क्या ए माइनस बी ऑलवेज बिलोंग्स टू डब्ल्यू सोचो देखो अगर आप एग्जाम्पल लो वही माइनस वन वन और माइनस टू ले लीजिए वन एंड टू ठीक है वन एंड माइनस टू का ऑर्डर पेयर लेते हैं आई एम टेकिंग ए इज़ वन एंड बी इज टू एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द बाइनरी ऑपरेशन क्या लेना आप कौन सा ऑपरेशन लगाना चाहते हैं यहाँ ऑपरेशन लिखना चाहिए हमें नॉट बाइनरी दिस इज माई ऑपरेशन तो ऑपरेशन बाइनरी तो तभी बनता है जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी हम उसको क्लोज कहते हैं तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है ये भी चेक हो रहा है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी से क्या सेट क्लोज है ओवर द ऑपरेशन स्टार्ट तो है फॉर ऑल ये बिलोंग तो नहीं करेगा देखिए ना वन माइनस ऑफ टू क्योंकि यहाँ कंडीशन होती है फॉर ऑल यहाँ मुझे फॉर ऑल लिखना चाहिए सभी के सभी एलिमेंट्स अगर पार्शियली सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आपकी कंडीशन पार्शियली सेटिस्फाई में ट्रू नहीं होगी रिमेंबर दिस थिंग तो फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू हॉल नंबर दर डिफरेंस डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू कॉन्ट्रेरी एग्जाम्पल मैंने कहा दिया दिस इज एंड दिस दिस एलिमेंट इज माइनस वन एंड माइनस वन नॉट बिलोंग टू हॉल नंबर तो क्या ये सेट हॉल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन माइनस क्लोज है नो दिस इज नॉट ठीक है इन फ्यूचर मैं आपको ग्रुप करवाने वाली हूँ तो इन केस ऑफ ग्रुप पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर चेक करनी है तो जो क्लोजर ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो आगे नहीं जाएगा ठीक है यू विल स्टॉप हेयर अगर मैम आप लो आपसे आज पूछ लेती हूँ कि W यानी कि होल नंबर सेट विद रिस्पेक्ट टू सबटेक्शन ग्रुप है तो आपका आंसर आज ही आ जाएगा नो no. आपको फर्दर जाने की जरूरत नहीं है देर आर फोर मोर थ्री मोर प्रॉपर्टीज़ बट वो करने की जरूरत ही नहीं है बट इस क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा वो हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे आई होप ये क्लियर होगा अगर आपको क्लियर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंशन जरूर करना इट विल मोटिवेट मी एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक मल्टीप्लीकेशन तो आपने चेक करना है कि क्या टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वन एंड प्लीज इसे कमेंट बॉक्स में यस और नो में मेंशन करना होम होल नंबर विद द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑन द होल नंबर इज अ बाइनरी ऑपरेशन और नॉट इफ़ यू दिस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द होल नंबर तो यू विल राइट यस ठीक है अगर नहीं है तो कॉन्ट्ररी एग्जाम्पल मैंशन कर देना ठीक है अब सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं जैसे ही सेकेंड हमारे पास बेटर रहेगा W के बाद कौन आता है नेचुरल नंबर वो हम कर चुके हैं एडिशन और सब्टेक्शन का मल्टीप्लीकेशन में भी आप चेक करना चाहें तो दे सकते हैं कि नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्लोजर है या नहीं है ठीक है वो यस yes जाएगा नेक्स्ट लेते हैं हम इंटीजर इंटीजर का सेट क्या होता है जीरो वन टू एंड सो ऑन। एंड दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एडिशन में क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है यस yes. देखो ना कोई भी दो इंटीजर को आप ऐड करेंगे तो योर आंसर इज ट्रू सब्टेक्शन में ये आंसर हमेशा यस देगा समझ आया इफ यू टेक एनी टू इंटीजर्स तो यहाँ आप कंडीशन दे सकते हैं यस फॉर ऑल ए एंड बी अगर वो दो इंटीजर हैं आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए यहाँ से एंड सो ओन है यहाँ पर इन्फिनिटी में एलिमेंट इफ़ यू टेक एनी टू इंटीजर्स एंड यू सब्टेक्ट देम तो योर आंसर ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटीजर तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू देन यू आर मल्टीप्लीकेशन इफ यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स यहाँ पर आपका होगा ए और बी तो ए माइनस बी आल्सो बिलोंग्स टू जेड तो ये भी आपका क्लोजर होगा तो जेड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्यों क्योंकि फॉर ऑल ए एंड बी आप कोई भी टू इंटीजर्स ले लीजिए एनी इंटीजर्स देयर मल्टीप्लीकेशन इज अगेन अ इंटीजियर ठीक है देन कम टू रियल नंबर्स रियल नंबर्स कौन से होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स ये नंबर लाइन है हाउ मैनी रियल नंबर्स दैट इज आल्सो इन्फिनाइट रियल नंबर के भी फर्दर टू पार्ट्स हैं रियल नंबर इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड रैशनल कंप्लीमेंट क्या होता है इरेशनल नंबर्स क्या होता है रैशनल एंड इरेशनल रैशनल नंबर कौन से होते हैं अगर आपसे मैं फोर्थ ले लेती हूँ रैशनल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ पी बाय क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड द कंडीशन ऑन क्यू इज क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बनेगा आपका सेट यहाँ पे बनेगा ये आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनने वाले हैं ठीक है सपोज करो आप रियल नंबर लेते हो कोई भी पॉइंट कोई भी नंबर ऑन दिस नंबर लाइन इज नॉन एज रियल नंबर ठीक है तो क्या आप टू नंबर्स को आज तक जितना आपने एलजेबरा पढ़ा है ना ये जो आप कैलकुलेशन वर्क करते हैं सब आपने रियल नंबर पे किए उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स स्टार्ट किया टू डायमेंशन में ठीक है तो एडिशन सम ऑफ टू रियल नंबर्स अगेन रियल नंबर आएगा कोई भी दो नंबर यहाँ से उठाओगे आप अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट थ्री भी कर दो तो भी तो एक नंबर ही आएगा एंड दैट इज आल्सो लाइज ऑन योर नंबर लाइन यस और नो यस ना तो प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन इज योर एडिशन एंड क्या ये सेट आर क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑपरेशन प्लस यस क्यों यस है क्योंकि फॉर ऑल कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए रियल नंबर का ए एंड बी अगर वो रियल नंबर हैं तो उनका सम भी क्या आएगा दैट इज आल्सो अ रियल नंबर ट्रू देन सब्टेक्शन वो भी यस yes जाएगा सेम रीजन आप कोई भी दो रियल नंबर लीजिए उनका डिफरेंस कीजिए तो रिजल्टेंट क्या आएगा दैट इज आल्सो अ रियल नंबर तो यस दैट इज आल्सो ट्रू देन कम्स टू योर मल्टीप्लीकेशन तो ये भी आपका क्लोज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ये बात हम इसकी कर रहे हैं जैसे जेड के लिए किया ना ये हमने तीनों ऑपरेशन जेड के किए डिस्कस ये तीनों हमने डब्ल्यू के लिए किए एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स देर इज वन मोर ऑपरेशन दैट इज डिवीजन तो डिवीजन में जब आप करेंगे तो रियल नंबर पे विथ दिस बाइनरी ऑपरेशन तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं होगा आर में से आप जीरो को हटाएंगे क्योंकि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं करते ठीक है तो नॉन जीरो रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस डिवीजन ऑपरेशन इज ए योर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि स्टार ये जो डिवीजन वाला है ना ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा अब मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू आपने सोचना है कि डिवीजन विद रिस्पेक्ट टू दिस जेड क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी इसका मतलब ये है कि ए डिवाइड बी ए डिवाइड बी का मतलब है आप बी को यहाँ रखेंगे और ए को उसे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो रियल नंबर में ये ऑपरेशन नॉन जीरो रियल नंबर पे इम्प्लाई होगा ये मेमोराइज रखना देखो इसमें से आर माइनस का मतलब समझते हो आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस सेट कंटेनिंग जीरो इसका मतलब आर माइनस सेट कंटेनिंग जीरो का मतलब है दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो जैसे मान लो आप ये रियल नंबर पूरी लाइन बनाते हो तो यहां से यहां तक बीच में यहां आपका जीरो पॉइंट है तो जीरो को मैंने ओपन कर दिया यानी जीरो को मैंने यहां से एक्सक्लूड कर दिया और पूरी नंबर लाइन लिख दी तो ये जो चीज है दिस इज वट आर माइनस सेट कंटेनिंग ऑफ जीरो इसमें पूरी नंबर लाइन है एक्सेप्ट जीरो आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मुझे आपको फ्यूचर में रिंग के पास लेके जाना है रिंग के अंदर मुझे यहाँ पे फिर नॉन जीरो मल्टीप्लीकेशन के अंदर ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा ठीक है तो यह तो दिस रियल नंबर नॉन जीरो रियल नंबर पर डिवीजन पे आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा तो येस yes कर दोगे आप ठीक है फॉर ऑल ए एंड बी बट ए और बी दोनों क्या नहीं होने चाहिए दैट शुड बी जीरो बी की वैल्यू जीरो हो सकती है जीरो बाई समथिंग इज जीरो तो जीरो तो उससे बिलोंग करेगी लेकिन जीरो से आप डिवाइड नहीं करेंगे दैट्स वाई आई एम एक्सक्लूडिंग जीरो फ्रॉम द रियल नंबर सेट इफ माई बाइनरी ऑपरेशन एम टेकिंग हेयर इज डिविजन ठीक है तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल बस एक्सेप्ट यहाँ कंडीशन चेक कर लेना और ये क्योंकि सभी के लिए ट्रू होता है दैट्स वाई दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस आपको इसका पता होना चाहिए ओके okay, एक और चीज़ अभी करते हैं रैशनल नंबर ये आपको शायद समझ आ गया होगा रैशनल नंबर क्योंकि आर का ही सबसेट है ये आप चेक करना होमवर्क है मेरी तरफ से एडिशन मल्टीप्लिकेशन चारों प्रॉपर्टी के लिए रैशनल क्या कहते हैं अब हम करते हैं फिफ्थ इ नंबर्स इरेशनल के ऊपर कोई एक एलिमेंट बताना ना जैसे अंडर रूट टू है अंडर रूट थ्री है जितने प्राइम नंबर्स की फॉर्म होंगे वो सभी वो ऑल आर द इरेशनल नंबर्स इस कैटेगरी में आएंगे पाई भी इरेशनल नंबर्स है तो क्यू सी मतलब सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन की आप में से कोई अगर तैयारी करेगा तो उसके लिए ये सेट ऑफ इ नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आई एम आस्किंग यू कि इज दिस ऑपरेशन एडिशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ इेशनल नंबर देखिए अंडर रूट टू अगर इेशनल नंबर है तो माइनस अंडर रूट टू क्या होगा दैट इज ऑल्सो इ नंबर ठीक है दे सकते हो इसका आंसर देखिए इसका आंसर लेने के लिए आप क्या करेंगे यू विल चेक ऑल द प्रॉपर्टीज देखो आप चाहे अंडर रोट टू को अंडर रोट टू से एड, एडिशन पूछ रही हूँ ना मैं क्या एडिशन ऑन द सेट ऑफ इेशनल नंबर बाइनरी ऑपरेशन है तो कंडीशन क्या होती है कोई भी दो एलिमेंट अगर आप इेशनल नंबर के लेंगे तो उनका एडिशन भी क्या होना चाहिए वो भी इ रैशनल होना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू ये फॉर ऑल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज मोस्टली स्टूडेंट जब आप लिखेंगे ना आप ये कंडीशन लिख देंगे ये छोड़ देंगे तो ये नहीं करना आपको इस कंडीशन को चेक करना है एंड दिस इज बट फॉर ऑल ए एंड बी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ़ इैशनल नंबर यानी इ नंबर्स हैं उनका एडिशन जब मैं करती हूँ तो वो भी क्या आना चाहिए इ मुझे पता है ये ट्रू नहीं है ये फॉल्स हैं तो ये नो की सेंस में आएगा तो मुझे अब आपसे ये पूछना है कि वो एग्जाम्पल मैं क्या लूँ जिस जो कंडीशन इसको फेल कर दें देखिए इफ़ आई पिक ए इज इक्वल टू अंडर रूट टू एंड बी इज इक्वल टू सपोज सेकेंड एलिमेंट ले लेती हूँ मैं माइनस ऑफ अंडर रूट टू इन दैट केस ए प्लस बी क्या हुआ मेरा अंडर रूट टू प्लस माइनस अंडर रूट टू एंड दिस इज जीरो अब आपको बताने जीरो जो है वो एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है तो जीरो जो है वो इर वो एक रैशनल नंबर है तो ये इरेशनल तो नहीं हुआ ना क्यों है रैशनल नंबर देखो यहाँ कंडीशन क्यू इज़ द सेट ऑफ ऑल पी बाय क्यू पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो कंडीशन क्यू पे है पी पे नहीं है पी कौन है इंटीजर है तो पी की वैल्यू अगर मैं जीरो ले लेती हूँ और क्योंकि वैल्यू में कुछ भी ले लूँ चाहे जीरो टू फोर फाइव तो जीरो आए ना तो जीरो कैसा नंबर हुआ जीरो इज अ रैशनल नंबर क्लियर तो यहाँ क्या आना चाहिए था अगर ए और बी लें सम तो सम अगर ये क्लोजर है तो ये इरेशनल होना था आंसर आ गया जीरो जीरो तो मेरा रैशनल है तो इसका मतलब ये से बिलोंग नहीं कर रहा तो कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू कहाँ ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई फॉल्स हो गई तो आई कैन से कि ऑपरेशन प्लस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ए रेटरेंट नंबर ठीक है आई होप आपको ये क्लियर होगा देर आर सो मैनी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तो ग्रुप में ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा पहली प्रॉपर्टी ग्रुप की आपने कर ली यानी वन फोर्थ पार्ट आपने ग्रुप का इन लेक्चर कवर अप कर दिया थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग